जय हिंद साथियों, मैं चंदन आपके अपने YouTube चैनल फौजी फोर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा SSC GD 2021 का अभी जो है रिक्रूटमेंट चल ही रहा है, अभी जस्ट फिजिकल कंप्लीट हुआ है और अब जो है मेडिकल का प्रोसेस होना बाकी है। तो आशा करते हैं जिन भी साथियों का फिजिकल कंप्लीट हो गया है और वो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से, तो आशा करते हैं जो उन सभी का हो जाए जो अच्छी तरह से मेहनत किए हैं, ठीक है। बाद बाकी आप किसी अन्य दूसरे अफवाहों में ना फंसे, किसी अन्य वीडियो को ना देखें। बहुत सारे चैनलों पे आपको अफवाह में फैलाया जाता है कि 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर 25 नंबर कट ऑफ बढ़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आराम से जितने भी नंबर लाए हैं आप अपना आपका चांस बनता है, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और फिर मेडिकल के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, ठीक है। और जिन साथियों का SSC GD 2021 में भर्ती नहीं हुआ, जिन साथियों का SSC, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो फिजिकल में बाहर हो गए हैं, रिटेन उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है और तो बहुत कट ऑफ में मेरिट नहीं बना, तो बहुत सारा पॉइंट है जिसमें बहुत सारे साथी जो है रिजेक्ट हो चुका है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है और खास करके जो अभी 10वीं पास किए हैं, जो अभी 10वीं पास किए हैं उन लोगों के लिए एक बेहद अपॉर्चुनिटी है SSC GD 2023, लेकिन 2022 में जो है 2022 के लास्ट में ये वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि SSC ने अपने कैलेंडर में ऐसे ही मेंशन किया है, 2022 का लास्ट बताया है, इसलिए ये वैकेंसी 2023 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2023 से ही स्टार्ट होगा इसका, लेकिन 2022 में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। तो आप लोग अभी से अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई धीरे धीरे कट ऑफ वैकेंसी तो इस बार तो इंक्रीज करेगा, इस बार जैसे डिक्रीज था अगले बार अब जो वैकेंसी आएगी उसमें इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इस बार 25,000 समथिंग पोस्ट था, पिछले बार इससे पहले जो 2018 वाला था उसमें 65,000 के करीब तकरीब था, ठीक है। तो इस बार लगभग अच्छी पोस्टें आएंगे, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से तैयार रहना है क्योंकि इस बार कंपटीशन भी हाई होने वाला है, ठीक है साथियों। जिनका भी एज अभी मैं सारे प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करूंगा, जो नए साथी है मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, दूसरे वीडियो को देखने से अच्छा, बार बार कटअप के वीडियो को देखने से अच्छा है जो आप इस वीडियो को देखिए। और जो नए हैं जो पहली बार, जो फ्रेशर जिसको बोलते हैं फ्रेशर, जो फ्रेशर है और 2023 के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप पूरे वैकेंसी के डिटेल समझ लीजिए क्या प्रोसेस होता है, कितने नंबर का रिटेन टेस्ट होता है, उस रिटेन क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, कैसे वर्दी तक पहुंचा जाता है, ये सारे बातों को मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। आते हैं डिस्कस कर लेते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर में, उसके बाद आगे आप लोग का जो पॉइंट है जो बहुत सारे साथी कमेंट किए हुए हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करता हूं SSC GD कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2022। अब बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट में ये भी बोलेंगे 2022 क्यों, 2023 में आने वाला है, तो ये 2022 में इसलिए लिखा हूं क्योंकि 2022 के एंड में दिसंबर में जो है इसका रिक्रूटमेंट आएगा, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। मैं यहां पे कुछ ऐसा गलत नहीं लिखता हूं, तब तक नहीं लिखता हूं बोर्ड पे तब जब तक SSC के या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस पब्लिश ना हो, ठीक है, इसलिए भरोसा बना करके रखिएगा। बात करते हैं कितना पोस्ट रहेगा, तो देखिए साथी मैं बता रहा हूँ बहुत जगह आप 80,000 के आसपास पोस्ट देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 70,000 से 80,000 के बीच में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, हो सकता है 65-70 के बीच में भी हो, ठीक है, 80 आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको एक अप्रोक्सीमेट लिख लिया हूँ, लेकिन आपको 65-70 के बीच में जितना भी हो बेटर ही है। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कितने तारीख से होगा, तो 10 दिसंबर 2022 को ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने का चांस है, क्योंकि SSC ने अभी इस साल SSC सब काम जल्दी जल्दी कर रहा है, तो हो सकता है 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाए। एज क्राइटेरिया के ऊपर भी डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट डेट इस फॉर्म की अंतिम तिथि होगी 19 जनवरी 2023, 19 जनवरी 2023 इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी, उसके बाद एग्जाम कब होगा, जाहिर सी बात है आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आप एग्जाम के डेट को लेकर के ज्यादा चिंतित रहते हैं जो एग्जाम कितने दिन के बाद होता है। तो साथियों बता दूं एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच में आपके होने की संभावना है, मैं फिर बता दूं संभावना बता रहा हूं, 100% सियोर गारंटी नहीं दूंगा, ये जैसे डेट ऑफ जैसे SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया था मैं उसी नोटिफिकेशन को यहां पे विश्लेषण कर रहा हूं, ठीक है।
तो आप उस पर भरोसा रखिएगा। मार्च और अप्रैल में होने के चांसेस है। अब फीस कितने रुपये लगेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डिमांड रहता है, तो फीस 100 रुपया है, फीस 100 रुपया है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा एससी और एसटी कास्ट वाले के लिए फीस जो है नहीं लगता है, ठीक है, उनके लिए फीस नील है। एज 18 से 23 साल, कोई भी एज में आपको छूट नहीं मिलेगा जेंडर कैंडिडेट को, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए, 10th पास। बहुत सारा कमेंट आया हुआ है जो कि बोल रहे हैं जो 10th में रहेंगे हम फॉर्म फिल कर देंगे, नहीं भाई, 10th पास आपके पास पास सर्टिफिकेट एडवर्टीजमेंट से या रिजल्ट आने से पहले आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भाई जब आप ये करेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। अब इसमें बात करते हैं जो फोर्स कौन कौन से इस पैरामिलिट्री जो ये जो जीडी कांस्टेबल में कौन कौन से फोर्स आते हैं, कौन किस किस फोर्स पे भर्ती होती है बता दूं, एनआईए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, उसके बाद एसएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये कुल 8 फोर्सेस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 फोर्सेस है जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। 2021 में जो है सीआरपीएफ और एनआईए में जो है वैकेंसी नहीं था, सिर्फ सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, एआर, असम राइफल, आईटीबीपी और बीएसएफ में ही वैकेंसी देखने को मिला था, इसीलिए वैकेंसी कम था। अब बात करते हैं, यहां तक तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के ऊपर, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या करेंगे, सिलेक्शन होगा पहले क्या होगा, क्या पहले फिजिकल होगा, क्योंकि भाई जो फ्रेशर है जो पहली बार इस फील्ड में कूद रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ना कि एक ही बार डायरेक्ट फील्ड में उतर जाना है, उस फील्ड के बारे में सब कुछ जायजा लेना चाहिए, फिर उसके बाद उस फील्ड में आना चाहिए, तब जो है आपको 110% पहली बार में सिलेक्शन मिल सकता है। सीबीटी मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे साथी 10th पास होंगे उनको सीबीटी के बारे में पता भी नहीं होगा, मैं बता दूं सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका मार्च अप्रैल में जो है एग्जाम होने के चांसेस है, यदि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा तो आप सीबीटी देने जाएंगे, वहां पे आपके पास एक कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर आपके रीजनिंग, उसके ऊपर भी मैं सिलेबस से अलग मैं एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस के ऊपर, और कौन कौन सी किताब पढ़ने चाहिए, किस राइटर के बुक अच्छे रहेंगे, सबके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, इसी पे जो है आपका फाइनल, बार बार बता दूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ना कि आप बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं तब आपका पीएचडी पीईटी के लिए आप बुलाए जाएंगे, लेकिन हो सकता है आप पीएचडी पीईटी कंप्लीट करने के बाद मेडिकल में बात हो जाए, इसी पे सीबीटी पे ही आपका फाइनल मार्क्स बनेगा, फाइनल लिस्ट बनेगा। पीएचडी और पीईटी में कोई भी मार्क्स नहीं है, याद रखिएगा, पीएचडी मतलब हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी मतलब हो गया फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या आता है बता दूं, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेजरमेंट आते हैं, जो कि मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, यदि आपके 170 से कम है तो आप दुविधा में फंस सकते हो। मेल कैंडिडेट का चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और एससी एसटी का चेस्ट जो है इससे आप 5 सेंटीमीटर कमा लीजिए, 5 सेंटीमीटर कम 75 से 80, 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंस होना चाहिए, फुलाव होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे यदि कम है तो आप भी दुविधा में फंस सकते हैं, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं, ये तो बात कर लिया पीएचडी का, मैं बात कर लिया आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का बात करता हूं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में रनिंग जो है मेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर 24 मिनट आपको मिलेंगे, 24 मिनट से 1 सेकंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ना ही 1 सेकंड कम मिलेगा, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के ऊपर बात करूं तो 1600 मीटर उनका रनिंग है, मेल की अपेक्षा बहुत कम है, 1600 मीटर रनिंग है और उनका टाइम जो है 8.5 मिनट है, 8.5 मिनट में आप 1600 मीटर कंप्लीट करेंगे। ये रहा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर और एडवर्टीजमेंट, लास्ट डेट, एग्जाम डेट, फीस सब के बारे में है। अब बात करते हैं जो अब बहुत सारे साथी के ऐसे भी होंगे जो ओवर एज के बारे में पूछ रहे होंगे, तो साथी बता दूं ये देखिए एसएससी जब भी ऐसा काम करता है तो इस बार भी जो वैकेंसी निकाला था, इस बार वैकेंसी में भी आपका मई में निकाला था, अप्रैल या मई में निकाला था, तो अप्रैल मई में जो निकाला था वैकेंसी
ये वाला 2021 वाला जो निकला था, तो जिस दिन से ये फॉर्म अप्लाई का डेट था उसके कुछ दिन पहले तक का लिया था, ठीक है। तो ये भी लगभग आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर के आसपास तक आपके 23 साल होना अनिवार्य है। यदि आपका नहीं होगा तो आप फॉर्म फिल के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यदि ये डेट आगे बढ़ा तो आपका डेट भी है आगे बढ़ जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये तो हो गया। अब आप लोगों का ज्यादातर कैंडिडेट जो फ्रेशर है उन लोगों को ज्यादातर माइंड में एक ही चीज दिमाग में होता होगा, सैलरी क्या होता है, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स में सैलरी आपको क्या मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे सैलरी के बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन बता देता हूँ। लगभग आपके 21,000 से 22,000 के समथिंग जो है आपको सैलरी मिलेगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल इतना मिलेगा, इससे इतना ही काफी है। इसके लिए जो है आप अभी से अच्छे से तैयारी कर दिए, यदि चाहते हैं जीडी 2023 में नौकरी लेना, ठीक है। हम तो चाहते हैं भाई, यदि आप वर्दी लेना चाहते हो तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ होते गया है। इस बार 25,000 ही पोस्ट था जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट 25,000 में बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए हैं। उसके बाद अब वहां पे मेडिकल बनेगा, मेडिकल के पहले एक लिस्ट निकलेगा, उसके बाद फिर से मेडिकल देने जाएंगे, उसके बाद वहां से छांटा जाएगा, उसके बाद फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर जाकर के फाइनल सिलेक्शन, वर्दी जो है कंधे पे चढ़ती है। तो भाइयों ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन, इसके ऊपर मैं आपको सारा बात बता दिया, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कितना वैकेंसी आने की संभावना है, कितने रुपये फीस है, और कब से कब तक ये डेट रहेगा आपका एज का, ठीक है। सारा प्रोसेस बता दिया। अब बचा सिलेबस का ऊपर, जो प्रेशर है उनको तो ज्यादा तरह से अच्छे तरह से गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस के ऊपर, सिलेबस भी उनको नहीं पता होगा। तो सिलेबस के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, बुक के लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन भाई आप लोगों को एक चीज देता हूं, यदि आप हमारे चैनल के साथ, यदि आपको यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो भाई एक बार चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही वीडियो को ज्यादा देखते हो, क्या होता है स्टार्टिंग में 1 मिनट वीडियो देख लेते हो उसके बाद स्किप करके आगे चले जाते हो, तो बीच वाला प्रोसेस, बीच वाले जो जानकारी डिस्कस किया जाता है तो उस जानकारी को अच्छे तरह से पढ़ो ताकि समझो। उसके बाद यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया हूँ, वहां पे आप लोग जाकर के मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और चैनल पे भरोसा बना करके रखिएगा, चैनल पे यदि भरोसा बनाते हैं तो आशा करते हैं हम भी आपको इतना भरोसा जरूर देते हैं। यदि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो 110% आपका सिलेक्शन पक्का है, यदि आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।